नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जरा अन्नदाता की बात कर ली जाए, क्योंकि किसान का इशू पिछले 2-3 दिनों से कम नेशनल फ्रंटलाइन न्यूज बना हुआ है, और उसका कारण जो भी हो, लेकिन एक सुखद बात है कि इस देश में कम से कम लोग किसान की बात पे कुछ तो विमर्श कर रहे हैं। कल जिस ढंग से, रविवार का दिन था लेकिन राज्यसभा चल रही थी, राज्यसभा में जिस तरह से इस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाया गया, मतलब लोकसभा से ऑलरेडी पास हो गया था, यहां से पास होना था, जितनी अफरा तफरी में वॉइस वोट के साथ, मतलब सारे चीजों को दरकिनार करते हुए, भाई कुछ ऑपोजिशन की मांग यही थी कि उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए, तो उसको भी नहीं किया गया और इसको आनन फानन में पार कराया गया। ये दो वजहों से थोड़ा इसमें दिक्कत हो रही है। एक तो ये रिफॉर्म्स की टाइमिंग, क्योंकि जून में आप ऑर्डिनेंस ले आए थे और उसको अब एक्ट की शक्ल दी जा रही है। एक किसी की समझ नहीं आ रहा है कि इतना रश क्यों है, मतलब वाई दिस ट्यूरिंग हरी, इतनी जल्दी 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 आप क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि 3 जो ऑर्डिनेंस आए थे वो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं जल्दी से उसको पढ़ दूं। एक फार्मर्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, एक है फार्मर्स अग्रीमेंट जो एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन की बात करता है, और तीसरा था दी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जो 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था उसको अमेंड कर रहा था। तो मूल रूप से ये चीजें हुई थी। अब बात यह आ रही है कि इसमें है क्या और क्यों इसका इतना मतलब खींचतान हो रही है, क्योंकि अब बात हो रही है वन मार्केट वन नेशन वन लैंग्वेज, इस तरह की बातें हो रही हैं और उसी को परस्यू भी किया जा रहा है। अब जो इसके पक्ष में हैं उनका एक अपना वो आर्गुमेंट है, जो विरोध में उनका अपना आर्गुमेंट है। जल्दी जल्दी मैं 2-3 चीजें आपको बताऊं कि जैसे ये कहा जा रहा है कि 1991 में जब इंडस्ट्री को डीलाइसेंस किया गया, वो एक मतलब हिस्ट्री में उस समय रची गई, देश ने एकदम से व्यापार और ये सब को खोला, दुनिया के हिसाब से चले, उसी तरह की बात अब लोग कह रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर में भी होने जा रही है। अब पहली चीज इसमें थोड़े नंबर्स आपको बता दूं जिससे आपको इसको समझने में आसानी हो। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 135 करोड़। किसान जो पीएम किसान स्कीम लागू की थी मोदी जी ने 2019 के इलेक्शन से जस्ट पहले, अगर आपको याद हो, क्योंकि जो शहर में लोग रहते हैं उनको नहीं मालूम होगा, गांव में उसकी पहली किश्त ये था कि 2-2 हजार की 3 किश्त में 6,000 रुपये सालाना हर किसान को मिलेगा, मतलब जिसके पास भूमिधर को मिलेगा, और उसकी पहली किश्त भी इलेक्शन से पहले दे दी गई थी। अब ये जो अगर 14-14.5 करोड़ लोगों के लिए इसका प्रोविजन किया गया था, तो मोटे तौर पे करीब 72 करोड़ लोग, अगर 5 की फैमिली मानते हैं 72 करोड़ लोग इस पर आश्रित हैं। अभी तक जो आइडेंटिफाई हुए हैं इस किसान योजना के लिए, उसमें 9 करोड़ लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई हैं, जो जिसको इनका फायदा हो रहा है। अब एक लॉबी ये कह रही है कि सब्सिडाइज खत्म होना चाहिए, सब्सिडी रिजीम ठीक नहीं है। तो पहली चीज, जब वोट था तो भाई मोदी जी आपने ही तो शुरू किया था, आप अब इसके अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं? सब्सिडी की बात और ये सब पैसा आप किसानों के खाते में जाए 2019 इलेक्शन से जस्ट पहले, अपने 5 साल के कार्यकाल आप पे तो वोट मांगा नहीं गया था, बालाकोट पे मांगा गया था और ये पैसा देके मांगा गया था, तो सब्सिडी की आदत तो आप ही डालना है, अगर वो कोई गलत है। मैं हालांकि सब्सिडी के पक्ष वाला हूं। और अगर एग्रीकल्चर सेंसस की बात कर लें या इस तरह की बात कर लें, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले करीब 69% लोग हैं, 83 करोड़ से ऊपर, और इसमें से किसान को मोटे तौर पर यह माना जाता है कि 60 से 70 करोड़ लोग किसानी व्यवसाय पर डिपेंडेंट हैं। हिंदुस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसका केवल 18% किसानी से आता है, ये इसके अगेंस्ट में बोला जाता है। अब ये जो मार्केट, अब ये हो रहा है कि मार्केट विल डिसाइड दी प्राइसेस ऑफ दिस, मतलब मार्केट में छोड़ दो, फ्री मार्केट में, और उसके हिसाब से इसको किया जाए। पहली चीज ये है कि ये अमेरिका और यूरोप के मॉडल को ही हिंदुस्तान में लागू करने की बात कर रहे हैं। इसके बहुत से विशेषज्ञ हैं जो हिंदुस्तानी विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि अमेरिका और यूरोप में ये मॉडल फेल हो चुके हैं, और ये नो फ्री मार्केट इस तरह की कोई चीज़ नहीं है,
अमेरिका और यूरोप में भी कोई फ्री मार्केट एग्रीकल्चर की नहीं है, हैवली सब्सिडाइज्ड है। और इसमें एक देवेंद्र शर्मा जी हैं, एग्रीकल्चर पे उनकी जानकारी खूब ज़्यादा है, वो एक फिगर आजकल वो हर चैनल पे आ रहे हैं, वो एक फिगर भी बोल रहे हैं कि यूएसए में पर किसान जो सब्सिडाइज पोर्शन है, वो जो सब्सिडी मिलती है पर ईयर, वो करीब $60,000 है। $60,000 की सब्सिडी मिलती है एक किसान को। हिंदुस्तान में एवरेज आता है करीब करीब $200। जब मैं सब्सिडी की बात कर रहा हूँ तो खास सब्सिडी और ये जो 6,000 रुपये उसके उसमें जा रहे हैं, सब मिला के $200 यहाँ पे है। तो इसलिए इसको उससे जरा इक्वेट करना बहुत उचित नहीं है। और ये चीज़ें किसान जो कृषि है, ये सारी मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं खास करके यूरोप और अमेरिका, ये उनको सरकार ठीक से इसको सब्सिडाइज करती है। इसमें मैं आने से पहले, क्योंकि एक दो इसमें वो है, ये कहा जा रहा है कि APMC नाम की जो चीज़ होती थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, जो मंडियां जो हमारी है, मंडी समिति आप ये समझ लीजिए, मंडियां हैं, उसको खत्म कर, मतलब उसको रहेगा लेकिन मंडी से बाहर भी ले जाके बेच सकते हैं, कुछ फ्री मार्केट हो जाएगी। एक जगह आज की तारीख में APMC नहीं है, वो है बिहार। एक जरा सुन लीजिए कि क्या हुआ था, फिर इस पे आएंगे। पीएम ने कैसे बोला था, और 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था 2015, 5 साल हो गए हैं, बिहार की कितनी अच्छी दशा हो गई है। वो अभी जब माइग्रेंट लेबर का हुआ तभी सब खुलासा हो गया, देश में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर या जो लोग अपना घर छोड़ के रोजी की तलाश में कहीं गए हैं, तो बिहार प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश, इस दो जगह से सबसे ज़्यादा लोग अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में रोज़गार की तलाश में गए हैं। और जो पीएम का वो 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज था जो उन्होंने बोली लगा लगा के किया था, वो कहाँ है आज, उसी के बिना पे क्यों नहीं इलेक्शन लड़ लेते हैं अगर बहुत अच्छा वो काम हुआ है तो। दूसरा, कुछ लोगों को एक बार बार एक MSP की बात कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो रखे ही, उसको नहीं हटा रहे हैं, फ्री मार्केट में कहीं भी कुछ जाके बेचे। दो तीन चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूँ, MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम है। मुझे एक भी जगह बता दीजिए जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा किसी किसान को मिलता हो क्या गया है प्रैक्टिस में, इट हैज़ बिकम अ मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट नहीं रह गया, वो मैक्सिमम सपोर्ट हो गया है। अब एक चीज़ ये हो रही है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह अगर मार्केट डिसाइड करेगी, मार्केट क्या डिसाइड करेगी, प्याज टमाटर ये सब, कई बार होता है ना कि इस साल ही प्याज की जो हालत थी 1.5-2 रुपए किलो था जब मैं मई में नासिक के थ्रू बंबई गया था, मतलब आप ले लीजिए उस समय प्याज, टमाटर लोग मंडी में छोड़ के चले जा रहे थे। जो आलू के व्यवसाय में मेरे कुछ मित्र हैं जिनके कोल्ड स्टोरेज हैं, आलू का जब रेट गिर जाता है तो लोग आते नहीं हैं अपना जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है आलू छुड़ाने, वहां पे MSP आप लगाइए ना। उन सारी चीजों पे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जहां पे MSP नहीं है, वहां पे सब जगह MSP की आवश्यकता है। और ये तय बात है कि जिन जिन चीजों में MSP नहीं है वहां पे किसान को इस तरह के झटके बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और जहां जहां MSP है वहां मिलता तो मिनिमम है लेकिन मैक्सिमम हो जाता है, उससे कम है। लेकिन इस तरह का डिप्रेस मार्केट नहीं होती कि जैसे टमाटर में छोड़ के भाग गए, आलू में वापस छुड़ाने नहीं आए, इस तरह की बातें खत्म होनी चाहिए। और इसमें MSP तो मेरे हिसाब से अक्रॉस दी वो सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे होना चाहिए।
वो कितना सरकार खरीदती है, कैसे खरीदती है, कितने एफिशिएंटली खरीदती है, उस पर अभी इस समय चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एक अजीब सी चीज है। अभी ये कहा जा रहा है कि हमने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं, जो जो अभी तक क्या था कि एक जिले से दूसरे जिले कुछ चीजें मूव नहीं कर सकती थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कुछ चीजें मूव नहीं कर सकती थी, चोरी छिपे लोग ले जाते थे गन्ना, उत्तर प्रदेश का बहुत सा गन्ना नेपाल में जाता है क्योंकि वहां नगद पैसा मिलता है, वहां की शुगर मिल से पता है सबको, वहां के डीएम को भी पता रहता है, और शायद वो आंख इसलिए मूंदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई किसान का फायदा हो रहा है, जो ऐसे ही बुरी हालत में उसका अगर थोड़ा उसको पैसा तुरंत मिल जाए तो क्या दिक्कत है। क्योंकि ये अजीब हमारा विचित्र देश है, ये कह रहे हैं कि हम इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के मूवमेंट को खोल रहे हैं, WTO के हम सिग्नेटरी हैं, दुनिया वैश्विक बिजनेस की बात करते हैं, यहां से वहां जाए सामान, वहां से आए, और अपने यहां हम रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अब ये आ रहा है, कुछ जगह ये हो रहा है कि ये केवल पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये पंजाब और हरियाणा में चूंकि पैडी और वीट मतलब गेहूं और धान ज्यादा होता है, इसलिए वहां के लोग इसको ज्यादा कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इससे तो बड़ा नुकसान होगा और उनकी स्टेट को वो हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो वहाँ के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ही सारे कमीशन एजेंट उन्हीं हैं, मंडियाँ उन्हीं के पास हैं। दो तीन चीज़ें समझ लीजिए, पंजाब और हरियाणा जहाँ पहुँचा है पिछले 60-70 साल की मेहनत है। पंजाब के जो सरदार जी लोग हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के तराई एरिया में आके दुर्गम जगहों पर खेती की और उस खेती को भी सोना बनाया है, तो पहली चीज तो वो अपनी मेहनत से ये सब कर रहे हैं। दूसरा वो क्या कर रहे हैं, आप ये चीज मुझे बताइए कि जैसे अगर पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान ज्यादा होता है तो वहीं से होगा ना, और वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को इसका फायदा भी होगा। राजस्थान में संगमरमर हो या ग्रेनाइट हो, पत्थर कने इस तरह के पत्थर वहां से निकलते हैं, पूरे देश में सप्लाई होते हैं, तो आप ये कल के दिन कहिए नहीं 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 ये राजस्थान नहीं, तो क्या राजस्थान के जो संगमरमर है वो पंजाब से निकलने लगेगा? अरे वहां रेगिस्तान है, वहां उस तरह की खेती तो नहीं होगी, तो उस तरह की खेती तो पंजाब हरियाणा में होगी, वो लोग मेहनती ज्यादा हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसको इस नजर से नहीं देखना होगा कि जो पोर्ट है, बहुत सी स्टेट ऐसे हैं जिनके पास समुद्र है, तो भाई अगर कुछ सामान आएगा तो वहां पोर्ट पे उतरेगा, कुछ उस स्टेट का भी कुछ टैक्स एक्स उसको भी मिलेगा, वहां की लोकल जो भी लोग होंगे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा उनको, कुछ वहां का कमीशन भी मिलेगा। अब हम कहें उत्तर प्रदेश में नहीं नहीं वो पोर्ट तो हमारे यहाँ, अरे भाई हमारे यहाँ जब पोर्ट है ही नहीं तो हम पोर्ट की बात क्यों करें? उसी तरह से पंजाब और हरियाणा में अगर अच्छा उन लोग काम कर रहे हैं तो उसको मतलब जो अच्छा कर रहा है उसको पीछे पकड़ के खींच लो। अब एक एक क्योंकि MSP पे ही और बात कर लें, एक ये भी आ रहा है इसके अगेंस्ट कि MSP केवल 6% लोग ही इस देश में MSP के द्वारा खरीदा जा रहा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, ये तो सरकार से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि 6% कैसे खरीदा जा रहा है, 60% और 100% क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? ये उल्टा है। आज सारे किसान बेचने को तैयार हैं अगर आप समय से पैसा दे दें। उत्तर प्रदेश का तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, पैरवी करवानी पड़ती है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, तब खरीद होती है और तब पैसा मिलता है। कहां के वो है मतलब घर में एक को एक एक डिसमिल जमीन नहीं और सब लोग आके बता रहे हैं कि खेती कैसे होनी चाहिए, या तो खेतियर वही हो गए अमिताभ बच्चन की जैसे जो आके यहां जमीन खरीद लिए और अब कहते हैं कि मैं किसान हूं। महाराष्ट्र से कुछ आवाजें आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि नहीं नहीं ये पॉलिसी अच्छी है और इसका सपोर्ट होना चाहिए। सिर्फ एक काम महाराष्ट्र में कर दीजिए, महाराष्ट्र में चूंकि जो खेती के में जो सबसे बड़ा उनका सोत्र है वो शुगर केन है, गन्ना है, और महाराष्ट्र में गन्ने के जो जो पेमेंट है वो तुरंत हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश में दिक्कत है वहां तुरंत हो जा रहा है, वहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस गन्ने का है, उनसे कह दीजिए ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वहां से, जब गेहूं और इसकी बात कर रहे हैं तो उसको भी हटवा दें, एक भी वहां के जो जो लोग भी इसको पैरवी कर रहे हैं इसके लिए तैयार होंगे, हटवा दीजिए MSP गन्ने का भी महाराष्ट्र में, फ्री मार्केट को चलने दीजिए ना, फ्री मार्केट तो सब चीजों की फ्री मार्केट। अब एक मार्के की बात और आपसे कर लूं, मेरे हिसाब से जो असली मुश्किल हो रही है वो सरकार के ट्रस्ट नहीं है लोगों को, लोगों को सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि नोटबंदी आई और अगर आपको याद हो हमारे मोदी जी ने कहा था कि कैसे कैसे अगर नोटबंदी से ना हो तो चौराहे पे क्या कर दीजिएगा क्या नहीं कर दीजिएगा, खैर GST आई रात में
जीएसटी का लोकसभा खोली गई और ये हुआ कि ये दूसरी स्वतंत्रता हुई है देश की। जीएसटी ने जो जो हाल किया है वो तो आप देख ही रहे हैं, और जो एक हमने कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट गवर्नमेंट का हक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था और अब उनको पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तीसरा, आप अगर ये बात कर रहे हैं फ्री मार्केट, तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं भाई? क्यों उसको कंट्रोल रखना चाह रहे हैं? दुनिया में तो वो प्राइस गिरा है ना, तो फ्री मार्केट उसमें अपने हिसाब से फ्री मार्केट तय करेंगे। अरे भाई, अगर फ्री मार्केट की बात है वो लॉजिक सब जगह चलनी चाहिए। अब एक इसमें जो एक और मुश्किल वाली चीज आई है वो आई है भंडारण की। लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई ट्रेडर्स की स्टॉक लिमिट अब खत्म हो गई, मतलब आप कितना भी भंडारण कर सकते हैं। इसका फायदा गांव में जो आधा बीघा, दो बीघा, एक बीघा किसान खेत रखा है, ये उसको फायदा होगा कि जो हमारे जो अब सबसे बड़े घराने हैं, औद्योगिक घराने इस देश के, जिन्होंने इस कोरोना काल में जिन्होंने कई हजार करोड़, कई लाख करोड़ की अपनी संपत्ति में इजाफा किया है, उनको फायदा होगा। भंडार, जब आपने कहा कि अब भंडारण की, स्टॉक करने की ट्रेडर्स के यहां सीमा हमने हटा दी है, हु इज गोइंग टू गेन? जिसके पास ज्यादा पैसा है वो। ये आप किसके किसके पक्ष में कर रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं कि ये किसानों के पक्ष में है? एक और चीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसका फायदा होगा? 80% तो सीमांत किसान हैं, जो बहुत कम होल्डिंग वाले किसान हैं, ज्यादा जमीन वाले तो कम किसान हैं, और वो जो ज्यादा जमीन वाले हैं वो लोग भी बटिया करते हैं, अधिया पे देते हैं, खुद तो नहीं जोतते हैं, तो उनके लिए तो कंफर्टेबल है ही कि एक एग्रीमेंट साइन करो, 4 साल 5 साल का कोई सी कंपनी से हो जाए। दिक्कत तो उस आदमी की है, और कहीं ना कहीं वो इस चक्कर में रहेगा कि भाई इसकी जमीन कैसे हड़पी जाए। मेरे हिसाब से, मैं इसको कंक्लूड कर लूं, बहुत लंबा विषय है, थोड़ा माइंडसेट की समस्या है। शहर में रहने वाले लोग जिन्होंने जो गांव देखा नहीं है, जिनका गांव से कोई सरोकार नहीं है, वो आज सब लोग इसके स्पेशलिस्ट बन गए हैं। दूसरा, एक इसमें कुछ पढ़ भी लीजिए, वही देवेंद्र शर्मा जी की एक फिगर है जो वो दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सारी फिगर्स अवेलेबल हैं। उनका कहना है कि 2000 से 2016 के बीच किसानों का कुल जो नुकसान हुआ है खेती को लेकर, वो 45 लाख करोड़ का हुआ है। 45 लाख करोड़ का, ये आप भी देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और इंडस्ट्री को किस तरह का आप सपोर्ट करते हैं इस देश में, अभी 20 लाख करोड़ का कोरोना स्टिमुलस या कोरोना का पैकेज दिया गया था सो कॉल्ड सरकार के द्वारा। केवल 2 लाख करोड़ उसमें से पीडीएस और किसान के लिए था, नरेगा भी था, पीडीएस भी था। 18 लाख करोड़ आप इंडस्ट्री के लिए दे रहे थे, इस तरह का भेदभाव है। इंडस्ट्री के एनपीए आप कितने लाखों करोड़ राइट ऑफ करते हैं, और किसान का अगर कहीं कर्जा माफी की बात आती है तो कितनी हाय तौबा मचती है। एक चीज फिर समझ लीजिए, अन्नदाता को इज्जत दीजिए। कभी इस देश को में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान के भरोसे ही ये देश है। उस किसान को जिसने इस कोरोना काल में आपकी जीडीपी को 3% पॉजिटिव ग्रोथ दिया है पिछले क्वार्टर में, जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मई जून वाला, और बाकी इंडस्ट्री ने -24% का कंट्रैक्शन किया है, मतलब इसको लेके अगर इंडिविजुअल लेंगे इंडस्ट्री ने, तो मालूम नहीं कहां पहुंची है। आप मूल रूप से कृषि प्रधान देश हैं, उस कृषि प्रधान देश में ऐसी नीति बनाइए कि जिसमें किसान सेंट्रिक हो। गांधी जी कहते थे अंत्योदय, सबसे समाज के अंतिम आदमी को लेके, वो किसान हरदम समाज का अंतिम आदमी होगा। फिर से एक बार जरूरत है कि हम किसान को उसकी वो इज्जत दे दें, बाकी वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।